नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के मतदान के लिए गुरुवार को प्रचार प्रसार थम गया है। 1 जून 2024 को 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होने हैं। अंतिम चरण के चुनाव में बीजेपी और इंडिया गठबंधन के बीच जोरदार मुकाबला है। उत्तर प्रदेश की वाराणसी सीटों के अलावा कई VIP सीटों पर 1 जून को मतदान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अजय राय वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से साल 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निर्वाचन क्षेत्र रहा है। कांग्रेस पार्टी ने तीसरी बार वाराणसी से अजय राय को मैदान में उतारा है। वे पहले बीजेपी में ही थे, लेकिन साल 2007 में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। अजय राय साल 2012 में कांग्रेस में शामिल हुए। इसके बाद पार्टी ने उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से चुनावी मैदान में उतारा। 2019 के लोकसभा चुनाव में अजय राय ने तीसरा स्थान हासिल किया। दूसरे नंबर पर बात करें तो रवि किशन, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सीट से बीजेपी ने रवि किशन को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार काजल निषाद चुनाव लड़ रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में रवि किशन ने 60% से अधिक वोटों के साथ जीत दर्ज की थी। उस चुनाव में SP उम्मीदवार राम बुआल निषाद दूसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें 415,400 वोटों के आसपास मतदान वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर कंगना रनौत, इस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतारा है। कंगना कांग्रेस के गढ़ मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं। 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने राज्य की सभी 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल की थी। चौथे नंबर पर अगर बात की जाए तो अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनावी मैदान में उतारा गया है। इस सीट से कांग्रेस के सतपाल सिंह रायजादा केंद्रीय मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। अनुराग ठाकुर पहली बार 2008 में अपने पिता प्रेम कुमार धूमल के मुख्यमंत्री बनने के बाद इस्तीफा देने के बाद हुए उपचुनाव में चुने गए थे। उन्होंने 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 और चुनाव जीते। पांचवें नंबर पर बात की जाए तो अभिषेक बनर्जी, ममता बनर्जी की TMC पार्टी ने पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से अभिषेक बनर्जी को चुनावी मैदान में उतारा है। डायमंड हार्बर तृणमूल कांग्रेस के लिए रणनीति रूप से मजबूत गढ़ माना जाता है। इस सीट पर अभिषेक बनर्जी CPI के प्रतिकूर रहमान और BJP के अभिजीत दास के बीच त्रिकोणीय मुकाबला है। 2019 के लोकसभा चुनाव में अभिषेक बनर्जी ने BJP के उम्मीदवार को 3.2 लाख वोटों के भारी अंतर से हराया था। छठे नंबर पर बात करें तो मीसा भारती, बिहार के पाटलिपुत्र लोकसभा सीट से RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती चुनावी मैदान में है। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले BJP में शामिल होकर रामकृपाल यादव ने मोदी लहर में मीसा भारती को हराया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में रामकृपाल यादव ने फिर से मीसा भारती को हरा दिया था। यहाँ देखें किसका किससे है मुकाबला, देखिए। देश की जनता ने किसे सौंपी सत्ता की चाबी? चुनाव के बाद अब है सटीक आंकड़ों की बारी। जनता से जाना किस तरफ है उनका विचार? बनने वाली है देश में अब की बार किसकी सरकार? देखिए सबसे सटीक एग्जिट पोल 1 जून शाम 6 बजे से सिर्फ SPN 9 न्यूज पर।